नीमच की चिताखेड़ा में माली समाज द्वारा सरकारी जमीन को अपने सामाजिक कामकाजों के लिए कब्जा रखने को लेकर चल रहा विवाद अब और तूल पकड़ गया है। इस मामले में जहां पहले सरपंच पंच जमीन से माली समाज का कब्जा हटाए जाने को लेकर लामबंद होकर एक ज्ञापन दे चुके हैं, तो वहीं अब इस मामले में माली समाज भी आगे आया है और अपने सामाजिक कार्यों के लिए जमीन न होने की बात कहते हुए उन्हें जमीन दिए जाने की मांग का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। आज माली समाज के ज्ञापन के दौरान बड़ी तादाद में समाज के पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हुई। हम चिताखेड़ा से आए और माली समाज के लगभग 200 परिवार का समाज है और लगभग 2000 से मतलब 2800 के लगभग सदस्य हैं। इतनी बड़ी समाज होने के बावजूद भी हमारे समाज का कोई सामुदायिक मतलब धर्मशाला नहीं है मांगलिक कार्यक्रम के लिए, और बड़ी उम्मीद से यहाँ कलेक्टर महोदय के यहाँ पर ज्ञापन देने आए और हमने जो जगह वहाँ पर जो पूर्व वर्तमान सरपंच ने जो जगह पहले बताई थी हम लोगों ने उनके कहे अनुसार तार फेंसिंग करी, लेकिन अब उनके कार्यकाल समाप्त होने को है और वो उसी ज़मीन को बेचकर अकेला रुपये बांधना चाहता है। लाखों रुपये उसने पहले इसी ज़मीन के ले लिए उसने लोगों से भूखंड के नाम से, लेकिन अब उसके 2 महीने बचे हैं, वो सोच रहा है कि मैं अकेले रुपए हड़प लूं और अब वापस उसके वादे से मुकर गया और उस जमीन से बेदखल करना चाहता है सरपंच। कौन सरपंच और क्या आरोप? सरपंच राकेश जावरिया चिताखेड़ा, उनका कहना है कि मैं यहाँ पर बस स्टैंड बनाऊँ, लेकिन 1997 में बस स्टैंड प्रस्तावित है जीरन रोड पर, वहाँ पर स्थान जो रेगर धर्मशाला के सामने जो समाज ने जो जगह सीमांकन किया है उससे लगभग 400 मीटर दूर है प्रस्तावित बस स्टैंड, लेकिन वो प्रस्तावित बस स्टैंड छोड़कर ये यहाँ पर करना चाहता है और बस स्टैंड के नाम से प्रशासनिक मशीनरी को गुमराह करके निजी लाभ उठाना चाहता है।